नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। लाल किताब में खाना नंबर 4। कुंडली में खाना नंबर 4 चंद्रमा का अपना घर कहा गया है। इस घर में बृहस्पति का उत्तम सुख जातक को मिलता है। ऐसे जातक का कुटुंब धन धान्य से परिपूर्ण, माता पिता भाई बंधुओं का उत्तम सुख नसीब होता है। राज दरबार से तरक्की धन दौलत का उत्तम सुख मिलता है। ऐसे जातक की प्रगति में या जीवन में उसके नान के परिवार का अधिक सहयोग होता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 के समय चंद्र खाना नंबर 1 और शनि खाना नंबर 10 में विराजमान हो तो ऐसे जातक को वाहनों का उत्तम सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 के समय शनि खाना नंबर 1, 4, 5, 6 या बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 11, 12 में विराजमान हो तो ऐसे जातक को बृहस्पति का मंदा असर मिलता है। ऐसे जातक को बदनामी और किस्मत के धोखे नसीब होते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 4 के समय चंद्र और राहु खाना नंबर 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में विराजमान हो तो जातक को धन दौलत में हानि, माता पिता के सुख में कमी, माता की सेहत में मंदा असर मिलता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 के समय बुध शुक्र राहु शनि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति की जड़ में बैठ जाए तो ऐसे जातक को किस्मत के धोखे नसीब होंगे। बृहस्पति का शुभ फल अब रद्दी होगा। बृहस्पति खाना नंबर 4 के समय मंगल खाना नंबर 10 में विराजमान हो तो जातक की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।